एक तरफ जहां संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर वो इस गठबंधन का हिस्सा बनते तो उनका दम ही घुटने लगता। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता न मिलने पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, मेरा वहाँ दम घुटने लगता। वो अपनी विचारधारा पर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? उन्होंने आगे यहाँ तक कहा कि अगर वो यानी कि इंडिया गठबंधन वाले हमें टिकट देंगे तो उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी में हार गए लेकिन वायनाड में जीत गए। वो वायनाड से इसलिए जीते क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग है और उसी मुस्लिम लीग ने उन्हें डूबने से बचाया है। हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा वहां पर। आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। गौरतलब है कि हैदराबाद सांसद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला ऐसे वक्त पर बोला है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में उन्हें लेकर इशारों इशारों में तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन AIMIM नेताओं के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि PM नरेंद्र मोदी उन्हें अपना मानते हैं। बताते चले कि तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS से नहीं लड़ रही है बल्कि वो बीजेपी और AIMIM से भी लड़ रही है। उन्होंने कहा था कि KCR के खिलाफ कोई केस नहीं है, AIMIM के खिलाफ कोई केस नहीं है, सिर्फ विपक्ष पर हमला किया जाता है। PM मोदी कभी अपने ही लोगों पर हमला नहीं करते, वो आपके CM और AIMIM नेताओं को अपना मानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। खैर, राहुल गांधी ने जहां AIMIM को BJP का साथी बताकर नई बहस शुरू कर दी है, तो वहीं AIMIM चीफ भी पूरे डिफेंड मोड में नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।